Hi everyone, I am Dr. Mary Kulsesh. In this video, we will talk about chemical properties of ether only. Chemical properties of ether बहुत कम है जो आपके syllabus में है और वैसे भी ether does not show too many properties क्योंकि ये काफ़ी inert compounds में आता है. अगर आप compare करते हैं hydrocarbons का ether के साथ तब तो ये थोड़ा बहुत reactive है just because hydrocarbons are least reactive. लेकिन if you are comparing it with the alcohol, comparing with the carbonyl compound, then in that case वो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स या अल्कोहल है उनमें आपका जो OH बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पोलराइज्ड होता है जिसकी वजह से वो रिएक्टिव होता है. जबकि इस केस में चार्ज सेपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से दे आर लीस्ट रिएक्टिव. तो काफ़ी कम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग 1 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो मुश्किल से 15-20 मिनट में अगर हमारा 1 मार्क अर्न हम कर लेते हैं देन इट्स अ वर्थी वीडियो. तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट. जो मैं पहली रिएक्शन बताने वाली हूँ उसमें से 99% चांसेस हैं कि आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा. हम पढ़ने वाले हैं ईथर. ईथर होता है ROR- शुरू करते हैं जल्दी से. ROR- में R और R- ये सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है इसलिए हम इसे ROR- से शो करते हैं. हम पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में आएंगी. द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI या आप मैं कहूँ HX. हैलोजन एसिड के साथ आप एक रिएक्शन पढ़ेंगे और दूसरी जो रिएक्शन टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. तो बेसिकली 2 टाइप की ही रिएक्शन पढ़ेंगे और इसमें भी आउट ऑफ दीज 2 ये वाला जो रिएक्शन है ना दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और 99.9 चांसेस है कि परसेंटेज चांसेस है कि आप इसमें से क्वेश्चन मिलेगा. ये वाला जो पार्ट है इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्वियसली एग्जाम में आती है लेकिन इसका एक क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस करूंगी. तो यू जस्ट मेक श्योर दैट व्हेन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक यू जस्ट लर्न इट प्रॉपरली बिकॉज वो एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं. सो कैट यू स्टार्ट नाउ. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट रिएक्शन. तो मैं पहली रिएक्शन करने वाली हूँ ईथर्स की ROR+HX. एंड वॉट विल हैपन हियर क्योंकि ये काफ़ी इनर्ट होते हैं तो 373 केल्विन पर ये रिएक्शन होती है. तो लेट अस सी क्या होगा. ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा फ्रॉम वन साइड एंड यू विल गेट वॉट RO और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा माइनस और ये प्लस ROH मिलेगा आपको यहाँ ROH और ये जो R है दिस विल कनेक्ट विद द RHX. ठीक है. तो आपको मिला एक एल्कोहल और एक मिला एल्काइन हैलाइड. ये तो हो गई इसकी ओवरऑल रिएक्शन इन जनरल. बट आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल हियर. चेक दिस CH3O CH2CH3. इफ आई गो फॉर दिस रिएक्शन व्हाट आर द चांसेस लाइक दिस ईदर दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग फ्रॉम हियर इन दिस केस क्योंकि हमें क्या करना है ROR- का बॉन्ड तोड़ना है. अब ROR- का बॉन्ड तोड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं. या तो यू विल टेक अगर आपका ईथर इज अ सिमेट्रिकल ईथर फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेके ही बताती हूँ. अगर ये टाइप का एक ईथर है वेयर द आर एंड आर इज इक्वल देन इन दैट केस देयर इज नो इशू क्योंकि आप अगर इसे यहाँ से तोड़ते हैं फ्रॉम दिस साइड ऑफ द ऑक्सीजन तो क्या बनने वाला है प्लस HI लिख रही हूँ मैं यहाँ पे. ओके आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल HI. अब ये भी ऐसे टूटेगा माइनस एंड प्लस ये आपका हो गया माइनस और ये हो गया आपका प्लस. ठीक. अब आपका CH3 विल कनेक्ट विद द आई यानी कि CH3 I बनेगा और CH3OH बनेगा एल्कोहल एंड हैलाइड ये 2 आपको कंपाउंड मिले. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन जब ये दोनों R बराबर हैं. ठीक. इन केस अगर आपका ये जो R है वो डिफरेंट है फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ CH3O CH2 CH2 CH3. अगर ऐसा कुछ होता है इन दैट केस देयर आर 2 चांसेस कि आपका अगर ऑक्सीजन और छोटा वाला ग्रुप के साथ ब्रेकिंग होता है देन इन दैट केस HI के साथ अगर मैं रिएक्शन देती हूँ तो मुझे मिलेगा इसका एल्कोहल एंड इसका हैलाइड यानी कि आई विल गेट CH3 I एंड आई विल गेट CH3 CH2 CH2 एंड OH. ठीक है. ये चांसेस होता है. या फिर अगर आप इस बॉन्ड को ये तो आपका फर्स्ट वे हुआ है ना तो मुझे ये मिला फर्स्ट पाथवे में. नेक्स्ट अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करती हूँ सेकेंड तरीका क्या हो सकता है इट इज ब्रेकिंग डाउन दिस वे. इन केस में इस केस में यहाँ पे लग जाएगा आई
और ये बन जाएगा आपका क्या, H के साथ जोड़ के एल्कोहल, एंड इन दैट केस माय प्रोडक्ट्स विल बी फर्स्ट सेकंड पाथवे के प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, CH3 CH2 CH2 I एंड CH3। नाउ द प्रॉब्लम बिगिंस कि अब हमें क्या करना है, क्या मुझे इसे यहाँ से तोड़ना चाहिए सो दैट मेरे प्रोडक्ट ये मिले, या फिर मुझे यहाँ से तोड़ना चाहिए सो दैट मेरे प्रोडक्ट ये हो। तो हियर यू स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी अब आपको समझना है कि ईथर का रिएक्शन एच एक्स स्क्वायर करते समय व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, क्योंकि सिमेट्रिकल ईथर में तो कोई इशू नहीं होता है, आपको जो मिलेगा एल्कोहल वही मिलेगा और हैलाइड आपका भी सेम होगा। तो यानी कि दोनों एल्कोहल, किधर भी एल्कोहल ले लो किधर भी हैलाइड ले लो, जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम आर ग्रुप। लेकिन जब आपके दोनों आर डिफरेंट होंगे एंड इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर विच विल बी द पाथवे फॉर द रिएक्शन सो दैट यू विल गेट अ पर्टिकुलर मेजर प्रोडक्ट्स, है ना। तो कौन से मेजर प्रोडक्ट होंगे, ये होंगे या ये होंगे, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप याद रखिएगा दैट स्मॉलर ग्रुप जो होगा, राइट इट डाउन अलोंग विद मी, कि स्मॉलर आर गोज विद आई। तो जो आई है वो छोटे छोटे वाली ग्रुप के साथ जाएगा अगर आपके दोनों ग्रुप आर प्राइमरी आर्स। तो अगर आपका आर इज प्राइमरी देन स्मॉलर विल बी द हैलाइड, तो जो भी आपका हैलाइड बनेगा वो छोटा वाला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई विल गेट दिस फर्स्ट पाथवे एज अ मेजर प्रोडक्ट जो यहाँ से मिल रहा है आपको फर्स्ट पाथवे से, और सेकंड वाले पाथवे के प्रोडक्ट आपके माइनर प्रोडक्ट्स होंगे। तो मैं इसे हटा रही हूँ, इट इज नॉट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो छोटा वाला विल बी हैलाइड एंड बिगर वन विल मेक एल्कोहल, दैट्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, कि आपको ये व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द प्रोडक्ट्स आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है कि इफ योर कंपाउंड इज ऑफ दिस काइंड, CH3 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 O CH2 CH3, इन दिस केस वन ऑफ द आर ग्रुप इज टर्शियरी एंड वन ऑफ द आर ग्रुप इज प्राइमरी। तो अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि एक आपका जो आर ग्रुप है वो बड़ा है पर उसके साथ साथ वो टर्शरी भी है, जबकि दूसरा आर ग्रुप आपका सिंपल प्राइमरी आर ग्रुप है, इन दैट केस आपका जब एच आई से रिएक्शन आप करेंगे देन दैट केस आपका जो टर्शरी होगा ना ग्रुप, ये टर्शरी ग्रुप क्या बनाएगा, हैलाइड, CH3 C CH3 CH3 I। तो ये क्या हुआ, एच प्लस माइनस, आई माइनस गया इस प्लस के साथ, ये गया माइनस के साथ प्लस, यानी एल्कोहल आपका बना कौन सा, CH3 CH2 OH, यही है आपका मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट आपका अगर आप जो तो दूसरा अगर पाथवे आप प्लान करते हैं तो आप क्या प्लान करेंगे कि भाई मैं तो ऐसे नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं तो कैसे तोड़ूंगा, ऐसे तोड़ रहा हूँ। इन दैट केस आप ये इमेजिन करेंगे जो आपका एल्कोहल है वो टर्शरी होगा और जो आपका हैलाइड है वो प्राइमरी होगा, बट दिस विल नॉट हैपन, क्या होगा, दिस विल बी योर प्रोडक्ट, ठीक। ये तो बात हुई रिएक्शन की कि क्या बनता है, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। इफ बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी, उस केस में तो आपका छोटा वाला एल्काइल ग्रुप विल मेक द हैलाइड, जबकि अगर एक टर्शरी है तो आपका हैलाइड विल बी टर्शरी। तो आपको पहली चीज मैं आपको यहाँ ट्रिक दे रही हूँ एंड दैट ट्रिक विल वर्क यू फॉर एवरी रिएक्शन। तो पहली चीज एक ट्रिक याद रखिए, अगर मैकेनिज्म आता है तो आई एम गोइंग टू टेल यू द मैकेनिज्म आल्सो, उसको हम बाद में समझ लेंगे। सबसे पहले जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द ट्रिक और उस ट्रिक को यूज करते हुए आप प्रोडक्ट्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो ट्रिक क्या है आपकी, मैं यहाँ ट्रिक लिख रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज SMARTER स्मार्टर हैलाइड्स। क्या ट्रिक है आपकी कि मेरे जो हैलाइड्स हैं वो स्मार्टर हैं, किसके कंपैरिजन में, एल्कोहल के कंपैरिजन में। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट मिलने वाले थे, हैलाइड एंड एल्कोहल, लेकिन मुझे याद रखना है कि मेरे हैलाइड्स आर स्मार्टर। अब यहाँ पे SMA का मतलब है स्मॉल ग्रुप, ओके, और TER का मतलब है टर्शरी ग्रुप। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि आपका ग्रुप अगर दोनों प्राइमरी है, आपके आर ग्रुप दोनों प्राइमरी है, देन इन दैट केस आपका जो छोटा प्राइमरी ग्रुप होगा स्मॉलर वन, दैट विल बी द हैलाइड। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है कि योर हैलाइड वन ऑफ द आर ग्रुप इज टर्शियरी,
अगर आपके कोई ग्रुप बड़ा या छोटा नहीं दिख रहा है, पर आपको वहाँ पे एक टर्शरी ग्रुप दिखाई दे रहा है, एंड इन दैट केस सब छोड़ के आप याद रखेंगे कि टर्शरी जो होगा, टर्शरी विल बी योर हैलाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका हैलाइड हमेशा टर्शरी से बनेगा और आपका जो दूसरा ग्रुप होगा वो बन जाएगा एल्कोहल। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि जो आपका रिएक्शन आएगा एग्जाम में वो आपको यही एक्सपेक्ट करेगा, मतलब जो की होगी वो यही एक्सपेक्ट कर रही होगी कि क्या आपको ये पता है कि छोटे वाले हैलाइड्स बनते हैं और जो टर्शरी कंपाउंड्स होते हैं, टर्शरी आर होता है, वो हैलाइड्स में कन्वर्ट होता है। दिस इज द ओनली थिंग दे आर गोइंग टू फाइंड आउट, क्या क्या आपने इसे समझा है या नहीं समझा है। तो ये तो बात हुई व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट बनते कैसे हैं और ऐसा क्यों होता है कि आपके जो हैलाइड्स हैं वो कैसे बन रहे हैं। हैलाइड्स बन रहे हैं आपके या तो टर्शरी से या फिर आपके हैलाइड्स बन रहे हैं छोटे वाले ग्रुप से। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैकेनिज्म में। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के हिसाब से ही आई विल एक्सप्लेन यू कि मैकेनिज्म डिफरेंट होते ही आपके दोनों प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब एक में टर्शरी क्यों है और एक में प्राइमरी हैलाइड क्यों है ना, छोटा वाला हैलाइड क्यों है। ठीक है, तो हियर आई एम राइटिंग डाउन द जनरल इक्वेशन CH3O CH2 CH3। अनदर साइड आई एम राइटिंग डाउन CH3 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 O CH2 एंड CH3। ठीक है, ये तो आपके ईथर हो गए। इन दोनों ईथर में क्या डिफरेंस आएगा जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराने वाले हैं, किससे? HI से। ठीक है, इससे आप रिएक्शन कराने वाले हैं इसका, और इसी से रिएक्शन कराने वाले हैं इसका। तो मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है? पहली चीज़ यहाँ पे आपको समझनी होगी कि ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो है SN मैकेनिज्म, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में हमें ये समझना होगा देयर आर टू टाइप ऑफ SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ एक ये है कि जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, अगर वो SN1 मैकेनिज्म से होना है तो कब होता है? जब आपका SN1 मैकेनिज्म में या जब ब्रेकिंग होती है तो आपका जो कार्बोकेटायन है वो काफ़ी स्टेबल होगा। मतलब मैं तोड़ के देखती हूँ इसको, या तो मैं इसे ऐसे तोड़ूँ तो मुझे कार्बोकेटायन मिल रहा है ये, अब मैं इसे यहाँ से तोड़ती हूँ तो मुझे कार्बोकेटायन मिलेगा CH3CH2 यानी या तो मैं इसे तोड़ूंगी ये हो गया कार्बोकेटायन, या फिर मैं इसे यहाँ से तोड़ूंगी तो ये हो गया कार्बोकेटायन। अब मेरे पास दो कार्बोकेटायन बनाने के चांसेस हैं, या तो मैं ये वाला कार्बोकेटायन बनाऊँ या फिर मैं ये वाला कार्बोकेटायन बनाऊँ। एंड वी नो दैट दिस कार्बोकेटायन विच इज टर्शरी इज मोर स्टेबल जस्ट बिकॉज दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड दे आर गोइंग टू हेल्प दिस मिडिल कार्बन विच इज लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप जो है टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। तो क्या होता है, तोड़ के देखिए, अगर कोई आपको टर्शरी कंपाउंड मिल रहा है, टर्शरी कार्बोकेटायन मिल रहा है, इसका मतलब कि आपके कार्बोकेटायन के मजे आ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो दिस कार्बोकेटायन विल अंडरगो द रिएक्शन मैकेनिज्म कॉल्ड SN1। तो इस केस में ये कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा? SN1। वो कहेगा मैं तो टूटूंगा, क्यों? क्योंकि मैं ब्रेक होने के बाद एक बहुत स्टेबलाइज स्पीशीज बनाने वाला हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट्स। तो दैट इज वाई इट विल प्रिफर टू ब्रेक, एंड दिस ब्रेकिंग विल गिव यू व्हाट? अब आपको कार्बोकेटायन तो मिल ही गया, नाउ दिस कार्बोकेटायन विल बी अटैक्ड बाय I- और क्या बनने वाला है आपको? 1, 2, 3 एंड I, क्योंकि आपका रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है SN1 मैकेनिज्म में। फर्स्ट प्रिपरेशन, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय द ब्रेकिंग ऑफ दिस वे ईथर दिस वे, देन आपका जो आयोडाइड है दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस कार्बोकेटायन टू मेक इट अ आयोडाइड या कोई भी हैलाइड बनाने के लिए। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर ये कार्बोकेटायन बनने के चांसेस नहीं है, कैसे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ इसको तोड़ते हैं तो मुझे मिलेगा CH3+, इसको तोड़ते हैं इधर से तो मुझे मिलेगा CH3CH2+। अब ये दोनों ही कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है क्योंकि दीज आर प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो वो कहेगा भाई मैं टूट नहीं रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मजे नहीं आ रहे, जस्ट बिकॉज
these two ions, both of them, both of these carbocations are not stable. तो जो चीज़ बनने के बाद stable ही नहीं होने वाली है तो मैं क्यों बनाऊँ, ठीक है? यहाँ बनने वाली थी stable, इसलिए उसने कहा नहीं नहीं मैं तो जाऊँगा, मैं तो बनाऊँगा, मैं तो market में आऊँगा, क्योंकि मेरे ही तो product बनने वाले हैं, मैं ही तो iodide से react करूँगा. But in that case, this iron and this carbocation both are not going to get stabilized. So it stops, it resists breaking itself. ये क्या कहता है कि मैं तो नहीं टूटूंगा. अगर ये नहीं टूटा, अब क्या होगा कि अगर ये नहीं टूटता है, then in that case जो आपका mechanism follow होगा वो होगा SN2 mechanism. SN2 mechanism क्या होता है, जिसमें एक attack होता है पहले और फिर removal होता है. एक का बॉन्ड बनता है धीरे धीरे और दूसरे का बॉन्ड धीरे धीरे करके टूटता है. यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है. देर इज़ नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन लाइक कार्बोकेटाइन. बट हाँ, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें एक का बॉन्ड बन रहा होता है और दूसरे को मजबूरी में निकलना होता है. दैट इज़ वॉट कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म. मतलब दोनों स्टेप एक साथ हो रहे हैं, एक का जुड़ना और दूसरे का निकलना. दैट इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म. यहाँ पे क्या होगा, SN2 होगा, क्योंकि टूटना इज नॉट फेवरेबल, क्योंकि टूटने के बाद जो स्पीशीज बन रही है दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड, ठीक है? तो अब हम देखते हैं क्या होने वाला है. तो द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज, फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ, इट विल बी प्रोटोनेशन ऑफ ईथर. प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, तो किससे हुआ प्रोटोनेशन, HI से. ये क्या है, एसिड. तो ये HI, चेक दिस आउट, CH3O, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास हैं CH2 CH3 प्लस HI. अब ये HI में ये प्लस है, ये आपका यहाँ जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, CH3O, दिस लोन पेयर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर. तो मैं इस लोन पेयर को हटा के H के साथ कनेक्ट करने वाली हूँ और इसको CH2 को कंटिन्यू करने वाली हूँ, है ना? और बचेगा क्या, I माइनस, ये अलग हो गया आपका. नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड ईथर. क्या है ये, प्रोटोनेटेड ईथर, ठीक है? अब यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया ऑन द ऑक्सीजन, जस्ट बिकॉज नाउ द ऑक्सीजन इज मेकिंग 3 bonds. आई होप यहाँ तक क्लियर है. दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, ठीक है? नाउ व्हाट विल हैपन कि अब जो ये आई अकेला रहा है ना, इसको भी कोई चाहिए, जस्ट बिकॉज इट वॉन्ट टू अटैच. लेकिन क्या हुआ, ये अलग हुआ नहीं तो आई किसके साथ जाएगा. तो दिस आई चूज टू कनेक्ट विद ईदर दिस साइड और दिस साइड, कहीं तो उसको जुड़ना है, जस्ट बिकॉज इट वॉन्ट टू मेक द कंपाउंड. तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट यहाँ पे और कोई कंपाउंड है नहीं रिएक्ट करने के लिए. तो सेकेंड स्टेप जो होगा ना, वो होगा अटैक ऑफ आयोडाइड ऑन स्मॉलर आर ग्रुप, ठीक है? अब इन दोनों में से कौन सा आर छोटा है, CH3 एंड CH2 CH3. हमें सबको पता है कि दिस CH2 H प्लस CH2 CH3, इनमें से दिस वन इज स्मॉलर ग्रुप और दिस वन इज बिगर ग्रुप. ये क्या करता है, आई इज स्टार्टेड रिएक्टिंग विद दिस स्मॉलर ग्रुप. अब बात आती है यहाँ पे कि भाई क्यों स्मॉलर ग्रुप से क्यों रिएक्ट करता है. द रीजन बिहाइंड इज स्टेरिक हिंडरेंस. मतलब इसके पास दोनों ऑप्शन थे, या तो ये यहाँ से कनेक्ट होता या फिर ये यहाँ से कनेक्ट होता, बट इट वुड प्रेफर वॉट, ये वाला. क्यों, क्योंकि इट इज अ प्राइमरी हैलाइड, ये भी प्राइमरी है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, केवल छोटे छोटे 3 हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, चेक दिस आउट, इसे यहाँ अटैक करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस में, ठीक है? अब यहाँ क्या होगा, सी एच एच एंड सी एच एच H. तो अटैक करने के लिए क्या होगा, इसको ओरिएंटेशन इसको प्रॉपर मिलेगा तीनों डायरेक्शंस में, जबकि यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस रहेगी, क्योंकि इसके साथ एक तरफ एक कार्बन है विच इज अ बिगर ग्रुप. तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या, तीनों हाइड्रोजन है तो ये छोटा हो गया, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस कम होने की वजह से फिर प्रेफर टू गो टू द स्मॉलर ग्रुप. तो अभी आयोडाइड यहाँ पे आया, जैसे ही आयोडाइड यहाँ आया, आपका ये और ये ग्रुप वीक होना शुरू हो गया. कौन सा, बिटवीन द ऑक्सीजन एंड मिथाइल ग्रुप. बात समझ में आई? तो अब क्या होगा, इसका बॉन्ड जैसे जैसे स्ट्रॉन्गर होता जाएगा वैसे वैसे इसका बॉन्ड टूटता जाएगा. जैसे ही ये दोनों अलग होंगे, कैसे होंगे, CH3I will be formed एंड दिस विल बी ब्रोकन डाउन टू गिव यू CH3 CH2 OH OH.
अब चेक करिए यहाँ पे एक लोन पेयर, ये तो पहले ही था, यहाँ पे क्या था, ये सिंगल बॉन्ड था विच इज अ लोन पेयर नाउ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा बेकिंग के टाइम पे क्योंकि इसको तो एक माइनस मिल गया ना यहाँ से, तो ये बॉन्ड इसके साथ आ जाएगा और इसके पास आ जाएगा वापस से अपना लोन पेयर। तो मैंने बस एक फ्लिप करके बना दिया मॉलिक्यूल को, आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये है आपका मॉलिक्यूल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, तो ये आपका सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। तो ये कहाँ अटैक किया इसने, छोटे वाले ग्रुप पे, क्यों किया, जस्ट बिकॉज देयर इज अ लिटिल स्टैटिक हिंडरेंस देयर, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, यहाँ पे कम भीड़ भाड़ थी। कौन सा मैकेनिज्म हुआ, इट इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड SN2 mechanism, where what is happening, the protonation of ether will take place first, HI के साथ react करता है, HI का या आपका ether का जो protonation होता है उसके बाद आपको ये मिलता है oxonium ion, oxonium ion क्या होता है, जहाँ पे oxygen के ऊपर positive charge होता है, oxo मतलब oxygen and em ion मतलब positive ion, ये जो oxonium ion है ये protonated ether इसका नाम हो गया क्योंकि ईथर है जो कि प्रोटोनेटेड है। इसके बाद क्या होना है कि ये आयोडाइड इज लुकिंग फॉर समथिंग सो दैट इट कैन अटैच विद इट, तो ये किसको चूज करता है, छोटे वाले को, क्यों, क्योंकि इस पर भीड़ भाड़ कम है, तो इट अटैक्स फ्रॉम दैट साइड, इसका बॉन्ड बनाना स्ट्रांग होता है जैसे जैसे इसका वीक होता जाता है, इसका वीक होने का मतलब है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, जैसे इसके पास इसका बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा इसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग तो यही होनी है, आई अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो फिर ये आई इसको सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट हैपनिंग हियर कि सी एच थ्री आई इज अ प्राइमरी ग्रुप विच इज कन्वर्टेड, तो प्राइमरी तो दोनों ही है इस केस में, इट इज द स्मॉलर ग्रुप विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू आयोडाइड, तो कौन सा आयोडाइड बना आपको यहाँ पर स्मॉलर, जबकि यहाँ आपको कौन सा आयोडाइड बना था टर्शियरी, ठीक है। और हमने क्या ट्रिक लिया था, वी हैव टेकन अ ट्रिक कार्ड, हमारा स्मार्टर इज व्हाट हैलाइड, यू जस्ट बॉदर अबाउट द हैलाइड, आप इतना देख लीजिए कि हैलाइड्स आपको कौन से बनने वाले हैं, जो दूसरा वाला पार्ट है वो तो आप एल्कोहल में कन्वर्ट कर ही देंगे, तो आपका जो छोटा ग्रुप है वो बनाएगा हैलाइड, या फिर आपका जो टर्शियरी ग्रुप है वो बनाएगा हैलाइड, दैट यू हैव टू टेक केयर, ठीक है। तो ये दोनों मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं, दैट इज वाई वी आर गेटिंग दी डिफरेंट प्रोडक्ट इन दैट केस, ठीक है। नाउ वन पॉइंट इज लेफ्ट आउट हियर कि अगर आपका जो एच एक्स है वो एक्सेस में आ जाए इस रिएक्शन में, देन व्हाट विल हैपन, एच एक्स की एक्सेस होते ही आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आएगा, चलिए इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेट्स सी कि अब अगर यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो एच आई है वो अगर एक्सेस में हुआ तो, इन केस आपको रिएक्शन दी गई और लिख दिया गया आर ओ आर डैश प्लस एच आई इन एक्सेस, देन इन दैट केस क्या आपके प्रोडक्ट रहेंगे, ये रिएक्शन तो ऐसे ही होगा क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये ले रही हूँ सी एच थ्री एंड सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है, सी एच टू सी एच थ्री, तो आपका ये प्रोसेस तो यहाँ तक ही चलेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, ये आपका एल्कोहल बन गया, नाउ व्हाट, सी एच थ्री सी एच टू ओ एंड एच, ठीक, ये बन गया, एंड वी नो दैट वी हैव प्रिपेयर्ड हैलाइड्स यूजिंग द एल्कोहल, और उसमें हम क्या करते थे, एल्कोहल की रिएक्शन वॉज विद हैलोजन एसिड, तो आपको तो यहाँ पे हैलोजन एसिड एक्सिस में है, तो हर मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनेगा एल्कोहल का उसको रिएक्शन करने के लिए एक एच आई का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, एंड वॉट विल हैपन दैन, दिस लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक ऑन एच, और क्या बनने वाला है, प्रोटोनेशन होगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एच, और दिस इज वॉट, दिस इज वॉटर। Now what will happen? This will break down to give you what? CH3CH2I plus water. ठीक है? यानी कि आपका जो iodide है, that will attack on this. और ये आपको मिलेगा CH3CH2I. यानी आपको क्या मिला? Ultimately, जो आपका left वाला R था, उसका भी iodide मिल गया. और जो आपका right वाला R था, उसका भी iodide मिल गया. Why it happened? क्योंकि आपका जो एच आई था वो एक्सेस में था, विच अल्टीमेटली रिएक्टेड विद द अदर एल्कोहल ऑल्सो, जो कि रिएक्शन में बना था, ठीक है। तो आपको दोनों के हैलाइड मिले, अल्टीमेट जो आपकी रिएक्शन लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, चेक दिस आउट, सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एच आई, और मैं लिख रही हूँ एक्सिस, जैसे ही एक्सेस आ जाए आप समझ जाए कि जो एल्कोहल बना है उसको वापस से रिएक्ट कराना है आपको विद एच आई, तो मैंने क्या किया सी एच थ्री आई, ये तो मुझे बनाने ही था, उसके साथ मैंने बनाया ये एल्कोहल, बट दिस अगेन रिएक्टेड विद एच आई एंड क्या बना आपको सी एच थ्री सी एच टू आई, ये बन गया।
तो ये आपका सी एच थ्री आई एंड सी एच थ्री सी एच टू आई में ना, और ऑब्वियसली वाटर विल बी आउट. सो दिस इज वॉट द प्रोडक्ट विल बी देयर. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेस में लिखा है तो आपको दोनों ही हैलाइड बनाने हैं, और दोनों ही हैलाइड हैं तो फिर आपको दिमाग लगाना नहीं है कि हैलाइड्स कैसे बनने वाले हैं, कौन से वाले का छोटा और बड़ा, दोनों ही हैलाइड है. बट अगर उसमें नहीं लिखा है एक्सेस ऑफ एच आई, इन दैट केस यू हैव टू टेक केयर कि कौन सा वाला स्मॉलर या टर्शियरी, दीज टू विल मेक द हैलाइड एंड रेस्ट ऑफ द जो आर ग्रुप होगा वो आपका बनाएगा एल्कोहल. आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू दैट वाई दीज हैलाइड्स आर समटाइम्स टर्शियरी एंड समटाइम्स दे आर मेड बाय द स्मॉलर ग्रुप. इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.